पिछले कुछ वर्षों में भारत के वर्तमान और भविष्य ने एक नया मोड़ लिया, जब 27 अप्रैल 2018 को भारत के एक एक शहर, एक एक गांव, एक एक कस्बे तक बिजली पहुंची। बिजली पाने वाला सबसे आखिरी गांव था मणिपुर का लहसांग गांव, और उस रात लहसांग में कोई सोया ही नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि पिछले साल 28 अप्रैल को एक बहुत ही ऐतिहासिक बात हुई। हम सब उस दिन बहुत खुश और बहुत ज्यादा उत्साह में थे। जब सबने लाइट जलती हुई देखी तो सब खुशी से नाचने लगे और चारों तरफ दौड़ने लगे। इस बिजली के आने से पहले हम बहुत तकलीफ में थे और रोशनी के लिए पुराने तरीके जैसे मोमबत्ती और आग का इस्तेमाल करते थे। बिजली के आने से हम सभी बहुत खुश हैं, बल्कि ये कहें कि बस्ती के सारे लोग खुश हैं। अब तो सब कुछ बहुत अच्छा है, सब खुश हैं, हम लोग भी बहुत खुश हैं, बस्ती के लोग भी बहुत खुश हैं। अब तो बहुत अच्छा है सब। बिजली आने से सब कुछ बदल गया है। अब हम राइस कुकर चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, हम टीवी देख सकते हैं। अब हमें स्टेट की, देश की और अन्य खबरें भी मिलती हैं। बिजली आने से पहले जो हमारा जीवन था वो अब बिल्कुल बदल गया है। मैं बिजली विभाग को, ब्रांच मैनेजर को, डिप्टी मैनेजर को विशेष धन्यवाद देता हूं और सरकार और हमारे प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं। ये बिजलीकरण हमारे देश के लिए और खास तौर पर हमारे गांव के लिए तो सच में एक वरदान है। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी हमें यूं ही बिजली मिलती रहे। लहसांग एक 20-25 परिवारों का छोटा सा गाँव है, जहाँ पहुँचना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी इन परिवारों तक बिजली पहुँची, क्योंकि भारत आज अपने हर गांव और हर एक परिवार को खुशहाल बनाने के लिए समर्पित है। आज बिजली के प्रोडक्शन में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं और बिजली के कंजम्पशन में छठे स्थान पर हैं। और पिछले कुछ वर्षों में हमारे यहाँ पे सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी हो रही है और आज हम बिजली एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।